हमारी सोच के विपरीत चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। इस तरह दोनों पैरों पर चलना इंसानों की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी, जो कि परिस्थितियों के अनुरूप बदलते रहे। कुछ चिंपैंजी और गोरिल्ला में विकसित होने लगे और कुछ इंसानों के समान विकसित होने लगे। यह पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश बंद होने की वजह से यहाँ के जंगल सूखने लगे। जंगल सूख जाने का असर इन पर पड़ने लगा, जिनकी वजह से इनको खाने की समस्या होने लगी, जिसकी वजह से यह पेड़ों से उतरकर अब जमीन पर अपने कदम रखने लगे। यह हमारे पूर्वज थे जिन्होंने जमीन पर मानव सभ्यता का पहला कदम रखा। इनका दिमाग एक सेब जितना बड़ा था और इनकी लंबाई लगभग 4 फीट तक हुआ करती थी। यह हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले प्राणी थे। कई सालों के विकास के बाद यह 2 पैरों पर चलने लगी। इससे इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी और यह चलते चलते भी खाने लगी थी। 2 पैरों पर चलने से अब यह सीधे खड़े होकर दूर दूर तक नजर रखते थे। समय के साथ इनका दिमाग विकसित होने लगा और आगे चलकर एक नई प्रजाति विकसित हुई, जिसका नाम था होमो इरेक्टस। इन्होंने सबसे पहले पत्थरों को हथियारों की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जैसे ही इस मामूली से पत्थर पर धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों को हथौड़ा मिल गया। अब यह बहुत सारे काम कर सकते थे। समय के साथ हमारे पूर्वज समूह में रहकर अन्य जानवरों का शिकार करने लगे थे। होमो हैबिलिस प्रजाति ने सबसे पहले आग की खोज की। यह काफी बुद्धिमान थे। यह इनके लिए सबसे बड़ी खोज में से एक थी। इन्होंने धीरे धीरे आग पर मांस पकाना सीख लिया। अब आग पर खाना पकाने की वजह से इन्हें ऊर्जा कम लगती थी, जिसकी वजह से यह ऊर्जा उनकी दिमाग को विकसित करने लगी, जिससे उन्हें ज्यादा ताकत मिलने लगी। करीब 2 लाख साल पहले यह पूरी तरह इंसानों के रूप में बन चुके थे। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि हम और मेहनत कर सकें। और हाँ, हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बनने के लिए ज्वाइन वाला बटन दबाकर अवश्य ज्वाइन हो जाएं, जहां आपको प्राचीन काल के इतिहास को जानना और समझना और भी सरल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।